क्या शहबाज शरीफ की एक और चोरी पकड़ी गई? बरतानवी अखबार की रिपोर्ट से तहलका मच गया। साबिक वजीर आला पर करप्शन और लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। बरतानवी हुकूमत ने जलजिला मुताबिक के लिए 500 मिलियन पाउंड से जायद इमदाद दी। चोरी करके शहबाज शरीफ की फैमिली के बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। दामाद अली इमरान को 10 लाख पाउंड मुंतकिल हुए। अखबार का दावा, बरतानवी हुकूमत का इमदाद की तहकीकात का फैसला। आज आपने फिल्म देखी जो डेली मेल में छपी, ये आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जाएगी और देखता सुनता जा शर्माता जा। जिनको हम समझते रहे वो कौम के साबित हुए। बैनल कौमी सतह इंसान को बदनाम करने का एक और जरिया तलाश किया था, इससे हम सब की दिल आजादी है। बरतानवी अखबार की खबर ने पाकिस्तान का सर गया। फिरदौस आशिकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहबाज शरीफ एंसन्स की इंकशाफ, दौलत के लालच में सरकार मुतासर भी हाथ साफ किए गए। मरियम सर कह सकती है ये पाकिस्तानी हुकूमत की। डेली मेल की खबर घट और बेबुनियाद होती है। पीएन ने डेली मेल की खबर की तर्दीद कर दी। पर खबर देते हुए बरतानवी सहाफी डेविड रोज ने ट्वीट करते हुए यूके एड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने आर्टिकल में लिखी। पहले ही आर्टिकल में ये बात शामिल कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का बरतानवी अखबार के खिलाफ कानूनी चारा जोई का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान और शहजाद अकबर के कहने पर झूठी स्टोरी छपवाई गई। मरियम ज़ेपोली के सहाफी डेविड रोज ने बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात की और वही ये खबर। उधर सलमान शहबाज ने बरतानवी अखबार की रिपोर्ट को सियासी इंतकाम करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हुई, वहां कारों के बयान रिकॉर्ड हो चुके। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इस तरह के केस में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दुरानी ने मरियम औरंगजेब के बयान पर कहा, डेविड रोज ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की थी। शमसान बुखारी बोले, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। ये सिर्फ नाम के जमहूरियत का नाम देकर अब जा रही है। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल का ट्वीट, शमसान बुखारी ने रद्द किया कि बरतानवी अखबार बगैर तहकीक की खबर दिया। वक्त आ गया है कि दूध और पानी का पानी हो जाए। फियाजुल हसन चौहान बोले, बरतानवी की खबर में 1% भी शक और शोबा नहीं। साबित तौर में खिदमत के नाम पर सिर्फ आप सबको वादा झूठा। और इमरान ने क्या किया? इमरान ने आईएमएफ के सामने सर झुका लिया और हमारा मुल्क का, हमारा पूरा मुल्क का मुआशी खुदकुशी कर ली। नए पाकिस्तान के नाम पर मुल्क में नहीं को फारिग करके शफाफ इलेक्शन से अवामी हुकूमत बना कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, एक साल में पता चल गया कि इमरान खान का हर वादा और नारा झूठा है। अवाम दुश्मन बजट में टैक्सों का तूफान, महंगाई है और अमीरों के लिए एन नारो है। बस तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई, ड्राइवर जहाँ बहुत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस बहावलपुर से कराची जा रही थी। आर्मी ट्रिब्यूनल का सूबे पर फैसला, 5.9 अरब डॉलर मामले पर वजीर आजम इमरान खान की तहकीकाती कमीशन बनाने की हिदायत। वजीर के रिकॉर्डिंग मंसूबे को तयन किया जाए, कमीशन मामले की तहकीकतों का तयन करे। करतारपुर
رازداری پر پاک بھارت مذاکرات کا دوسرا دور ختم کے معاہدے پر 80% باقی 20% ایک اور ہم نے کے لیے کوشاں ہیں آتی وقت واپس چلا گیا. تاجر رحمان کا ٹیکس ریٹرن کے بائیکاٹ کا اعلان. سیکرٹری نعیم میر کہتے ہیں ہڑتال تو دھرنے شناختی کارڈ کے معاملے پر حکومت پالیسی روکی ہے, حکومت اپنا رویہ ہم بیٹھنے کے پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ ہے کہ عمران کے ہی نہیں پورے وزیراعظم کے اعلانات سے سندھ اور بلوچستان کے اعلانات چلے جاتے ہیں لیکن ایک روپیہ نہیں دیا جاتا. ایم کیو ایم کے دوستوں نے کے لیے بجٹ پاس کرا دیا. سب اینکر مجید عباس اور ساتھی خضر حیات کے قتل کے کیس کی تحقیقات میں جب ملزم زمان کا بیان دفتر سے ڈائری پر شراکت داری کا حساب قتل میں استعمال بھائی عادل زمان کا نکلا. اور امریکہ میں سابق برطانوی سرکم ڈیرو ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق سے حسد میں ایران نیوکلیئر ڈیل ختم کی. ٹرمپ کا نیوکلیئر ختم کرنا سفارتی داری ہے. سرکم ڈیروک نے ایرانی ایٹمی معاہدے کو گزشتہ سال بھیجا تھا. سابق برطانوی وزیر خارجہ نے ٹرمپ انتظامیہ کو ڈیل پر قائم رہنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی.